नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आशीष चौरसिया और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भैया 2000 हजार यहां कहीं ना कहीं जो 24 21 जनवरी को जो पेपर होने वाला है क्या आप उसमें 120 से 10 स्कोर 110 तक स्कोर कर सकते हैं या नहीं देखिए मैं कहूंगा यार डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों स्कोर नहीं करेंगे पेपर वन हो या पेपर टू अगर एक अच्छा प्लान हो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो एक सही तरीके से काम किया जाए सही दिशा में काम किया जाए तो डेफिनेटली सफलता हाथ लगती है तो भाई आपको भी वही सफलता दिलाने के लिए ये वीडियो है तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है और क्या, किस तरीके से आपको पढ़ना है क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ताकि आप उस सक्सेस को अचीव कर पाए अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मित्रों तो आप देखिए यहां पे जो सी का एग्जामिनेशन होता है जो सी का एग्जामिनेशन होता है वहां पर मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो आपके पेपर दो होते हैं एक होता है आपका पेपर वन और एक होता है भैया आपका पेपर टू एक क्या होता है पेपर वन होता है और एक क्या होता है भैया पेपर टू होता है ये भी आपको क्लियर है अब ये दोनों जो पेपर होते हैं ना भैया ये भी 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट का भी होता है और अगर नंबर की बात करेंगे तो 150 नंबर का ही ये दोनों पेपर होते हैं और दोनों पेपर में मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर पे क्या होती है नहीं होती है अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है दोनों पेपर जो है मित्रों वो कैसे हैं आपके ऑफलाइन है कैसे हैं भैया ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं दोनों पेपर में आपको ओ एम आर सीट में फिलअप करके यहां पर क्वेश्चन बताने हैं तो इतना तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्लियर है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये तो एटलीस्ट आपको पता होगा या पता होना चाहिए अगर आगे हम लोग चलें आगे अगर हम लोग यहां पर चलें ध्यान दीजिएगा तो यहां आगे जाएंगे देखो क्या होगा यहां पर आप जब देखते हैं इन पेपरों की तैयारी कैसे करें एक ऐसा सही प्लान की आपको आवश्यकता यहां पर होती है अगर हम देखें इसमें क्या आ रहा है तो देखिए पहले पेपर में भैया क्या आ रही है सी आ रही है तो दूसरे पेपर में क्या भी भी आ, आ रहा है यहां भी भैया आपका सी आ रहा है तीस नंबर का यहां भी सी आ रहा है तीस नंबर का भैया यहां हिंदी आ रही है और यहां इंग्लिश आ रही है ये याद रखिएगा इंग्लिश आ रही है और इसमें ऑब्लिक नहीं होना चाहिए एंड होना चाहिए इंग्लिश आ रही है और ये दोनों कितने की आ रही है तीस तीस नंबर की आ रही है सेम यहां भी यही हो रहा है कि भैया हिंदी इंग्लिश दोनों तीस तीस नंबर की आ रही है तो ये दोनों पार्ट तो है कॉमन इसके बाद अगर आगे हम लोग चले तो क्या हो रहा है यहां पर आती है ईवीएस आपको तीस नंबर की और यहां आ रही है आपको मैथ्स भैया तीस नंबर की और अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है जो एस वाला बच्चा है उसे साठ नंबर की एस आ रही है और जो साइंस वाला बच्चा है भैया उसे क्या हो रहा है, है। साठ नंबर की साइंस आ रही है ठीक है साठ नंबर की साइंस आ रही है ये ध्यान दीजिएगा साठ नंबर की क्या आ रही है भैया साइंस आ रही है तो इसको अगर हम आगे जाकर देखें तो भैया इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे बात यह आ रही है देखिए यहाँ तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वन नंबर में आपको कुछ करें ना करें ओ एम आर की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है एक भैया ओ एम आर गूगल से डाउनलोड कर लो या हमसे ले लो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप में और यहां से ओ एम आर की जाकर फोटो कॉपी निकालो दस फोटो कॉपी दस सेट लीजिए आप जिसमें एक सौ पचास प्रश्नों के सेट होने चाहिए और टाइम सेट करिए घड़ी में एक सौ पचास मिनट का और इन सेटों को आप लगाइए और खुद मुझे बताइए कि सर मेरा कितना स्कोर हो रहा है कोई बच्चा अगर ये नहीं करना चाहता तो ओ एम आर सीट ले ले हमारा एजुकेशन यू में ऐप ओपन कर लीजिए वहां मॉक टेस्ट है उसकी हालांकि कॉस्टिंग है और वो कॉस्टिंग बहुत ही नॉमिनल है मात्र उनतीस रुपए की कॉस्टिंग है उस मॉक टेस्ट को लगाकर भी आप इन सेटों की प्रैक्टिस कर सकते हैं ये भी चीजें क्लियर हो गई ये पहला काम है भैया आप कितनी पढ़ाई कर ले आप कितना कहीं से पढ़ ले कोई पैड कोर्सेस ले ले सेल्फ स्टडी कर ले पर जब तक ये काम नहीं करोगे ना आपको अपना एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको अपना नॉलेज पता नहीं होगा इसलिए मैं कहूंगा पहले ये वाला काम आप जरूर करो दूसरे नंबर में आपको क्या करना है दूसरे नंबर में महत्वपूर्ण देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या पी वाई क्यू एस आपने सुना होगा जिसे आप कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडारा है भैयाट में लगभग साठ सेट अभी तक सीटेट करा चुका है साठ से भी ज्यादा सेट करा चुका है भैया एक सेट में डेढ़ सौ क्वेश्चन होते हैं अगर मैं साठ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको पता है कितने क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग अगर मैं बताऊं पंद्रह नब्बे हो जाता है आपका तो यहाँ याद रखिएगा लगभग नौ से दस हजार क्वेश्चन निकलेंगे क्योंकि भाषाएं कभी कभी वन और टू होती है तो यहाँ आप ये मान सकते हैं कि दस हजार प्लस ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ये दस हजार प्लस क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी हमारे ऐप पर उपलब्ध है इसका कॉस्टिंग मेरे हिसाब से दो रुपए के आसपास होगा तो ऐप विजिट कर सकते हैं वहां आपको ये चीजें भी देखने को मिल जाएगी तो दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है आप ऐप से पढ़े जहां से पढ़े वहां से पढ़े पर आप पढ़े जरूर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर आना है कोई बच्चा ईवीएस का है तो वो क्या पढ़ेगा भैया एनसीईआरटी पढ़ेगा और कहा से कहा तक एनसीआरटी पढ़ने वाला है वो थर्ड से फिफ्थ तक पढ़ने वाला है और प्रीवियस ईयर पढ़ेगा उसका बेड़ा पार उससे हो सकता है अब आगे हम लोग बात करेंगे तो भैया जो सोशल साइंस वाला बच्चा है वो क्या करेगा साठ नंबर के लिए एक तो उसे पढ़नी है एनसीआरटी अब देखिए एन सी आर टी कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है छठवीं से लेकर दसवीं तक पढ़नी है अब ये छठवीं से लेकर दसवीं तक की एनसीआर टी आप हमारे ऐप में जाकर पढ़ सकते हैं मात्र नाइनटी तो नाइन रुपीज में ये भी हमें उपलब्ध करा के आपको दे दिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए तो भैया ये मात्र नाइनटी नाइन में उपलब्ध है एजुकेशन फॉर यू का ऐप है वहां जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं तीसरी बात अगर हम करेंगे कोई बच्चा साइंस वाला है कोई बच्चा साइंस वाला है तो उसको भी सेम करना है एनसीआरटी पढ़नी है और क्या करना है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना है केवल एनसीआर पढ़ के एग्जाम पास नहीं होगा एनसीआर पढ़ना जरूरी है साथ साथ में प्रीवियस शेयर लगाना जरूरी है जब आप प्रीवियस शेयर लगाएंगे कोई नया टॉपिक आपको पता लगता है तो उस टॉपिक की आपको थ्योरी भी पढ़नी है गूगल में सर्च करके या किसी यूट्यूब में सर्च करके तो ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है परीक्षा में पास होने से ये मेरी गारंटी है भाई मैंने खुद और कितने एग्जाम निकाले हुए हैं ये आपको मेरी हिस्ट्री कभी आपको मैं बताऊंगा उस चीज को लेकर तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटजी इस प्लान को फॉलो करिए और अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप हमें कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए आपके 100 से 110 नंबर जरूर आएंगे तो जुड़ने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच एवरी वन टू वॉचिंग दिस वीडियो गुड नाइट फोड़ाती टेक केयर थैंक यू